चेतना क्लासेस आपके लिए फ्री लाइव क्लासेस लेकर आया है जो कि 23 जुलाई से स्टार्ट हुई है। दोस्तों आप हमारे इस लाइव क्लास से जुड़ सकते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं COVID-19 की वजह से ईयर 2021 में हमारी स्टडीज सही तरीके से नहीं हो पा रही है, तो इसी वजह से गवर्नमेंट ने 25% का रिडक्शन किया है हमारे सिलेबस में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी स्टैंडर्ड 10th पार्ट 2 में क्या क्या रिडक्शन आया है। तो आज आइए चैप्टर नंबर 1 हेरिडिटरी एंड इवोल्यूशन। हेरिडिटरी एंड रिवोल्यूशन में क्या क्या कैंसिल हुआ है तो आइए देखते हैं। पेज नंबर वन में ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन एंड ट्रांसलोकेशन में यहां से दिस इज कॉल्ड से लेकर ट्रांसक्रिप्शन ये एलिमिनेट किया गया टॉपिक। पेज नंबर 2 पे कोई भी एलिमिनेशन नहीं है और पेज नंबर थ्री में इवोल्यूशन का कुछ पार्ट जो कि 3.5 बिलियन से लेकर 3.5 बिलियन ऑर्गेनिज्म इज एक्सेप्टेड यहां तक किया गया है। साथ ही इंटरनेट माय फ्रेंड एंड अ पीक इनटू हिस्ट्री इसे भी एलिमिनेट किया गया है। नेक्स्ट पेज पेज नंबर 4 यहां पर आपको लास्ट के दो टॉपिक कैन यू टेल एंड यूज ऑफ आईसीटी ये हटा दिया गया है। नेक्स्ट पेज पेज नंबर 5 पे यूज ऑफ आईसीटी से स्किप किया गया है। पेज नंबर 6 इंट्रोडक्शन टू साइंस ये आपको नहीं करना है फिलहाल। पेज नंबर 7 में कुछ भी कैंसिलेशन नहीं आया है। पेज नंबर 8 में भी आपको साइंटिस्ट के बारे में नहीं पढ़ना है, इंट्रोडक्शन टू साइंटिस्ट ये कैंसिल हो चुका है एंड इंटरनेट माय फ्रेंड। पेज नंबर 9 पर 1.12 ये जो डायग्राम है जर्नी ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन ये कैंसिल हो चुका है। तो हम अपने अगले पेज पर 10 और 11 में कोई भी कैंसिलेशन नहीं आया है। 12 पे देखते हैं। 12 ये हमारा अगला चैप्टर सेकेंड चैप्टर लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 1 इसमें क्या आया है कैंसिलेशन। Use your brain power and can you recall? ये अब आपको नहीं करना है फिलहाल। पेज नंबर 13 में आपको ऑब्जर्व नहीं करना है, ऑब्जर्व फिलहाल नहीं करना है एंड कैन यू टेल ये भी आपको नहीं करना है। तो ये दो टॉपिक यहां से निकाल दिए गए हैं। पेज नंबर 14 पे ये ब्लू वाला टेबल एटीपी से रिलेटेड ये आपको नहीं करना है। हाँ लेकिन एटीपी से रिलेटेड ये कॉन्सेप्ट एटीपी एनर्जी करेंसी ये आपको करना है। पेज नंबर 15 पे इंट्रोडक्शन टू साइंटिस्ट साइंटिस्ट के बारे में इंट्रोड्यूस नहीं होना है। 16 में कैन यू टेल से रिलेटेड दो क्वेश्चंस है ये आपको नहीं करने हैं और ऑलवेज रिमेंबर ये भी आपको नहीं करना है। पेज नंबर 17 यूज योर ब्रेन पावर इससे रिलेटेड ये तीनों क्वेश्चन नहीं आने वाले आपको एग्जाम में और इंटरनेट इज माय फ्रेंड ये भी आपको नहीं करना है। आ जाते हैं 18 पेज नंबर पर कैन यू रिकॉल ये आपको नहीं करना है। हाँ लेकिन बाकी के सारे ये कॉन्सेप्ट्स आपको करने हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये माइटोसिस एंड मेयोसिस ये आपको करना ही है। 19 इसीलिए कैंसिल नहीं किया गया है, 19 पेज नंबर पे कुछ भी कैंसिल नहीं हुआ है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
पेज नंबर 20 पे देखते हैं। ट्राई दिस, ये आपको नहीं करना है। यूज योर ब्रेन पावर, ये भी नहीं करना है। यूज ऑफ ICT, बुक्स आर माई फ्रेंड, ये फिलहाल नहीं करना है। ये जो भी कैंसिलेशन है ये सिर्फ बैच 2021 के लिए है, क्योंकि यहाँ पर कोविड पेंडेमिक की वजह से स्टडी पे बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुआ है। तो अगर आप जो भी कैंसल्ड पोर्शन है अगर इसे आप नहीं भी करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मेरा सजेशन ये है कि आप एक बार इसे ज़रूर पढ़िए क्योंकि बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है और 10th स्टैंडर्ड जो है आगे के 11th 12th के लिए आपको एक बेस प्रोवाइड करता है। इसलिए जहाँ तक हो सके एटलीस्ट एक बार ये सारे कॉन्सेप्ट आप रीड करते चलिए, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं तो भी नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूर करें। पेज नंबर 21 पे फिर कोई करेक्शन नहीं है, कोई कैंसिलेशन नहीं है। आगे पेज नंबर 22 यानी कि हमारा थर्ड चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 2, इसमें क्या कैंसिल हुआ है? कैन यू रिकॉल, ये आपको नहीं करना है। कैन यू रिकॉल के ये चारों क्वेश्चंस नहीं करने हैं, आगे सारा कुछ करना है। 23rd पेज नंबर पे कोई भी करेक्शन नहीं आया है। अब 24th पे देखते हैं। 24th पे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, इसका कुछ पार्ट करना है और कुछ पार्ट यहां पर कैंसिलेशन में आया है। वेनेवर से लेकर न्यू साइकॉन, ये फिलहाल आपके सिलेबस में नहीं है। 24 एंड 25 पे ये ट्राई दिस, ये आपको नहीं करना है। 26 लेट्स थिंक, ये कैंसिल हो चुका है। 27 पे मिनी फ्लावर्स से लेकर न्यूक्लियाई, फिलहाल ये पैराग्राफ कैंसिल कर दिया गया है। डू यू नो एंड यूज ऑफ ICT, ये भी आपको नहीं करना है। पेज नंबर 28 पे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था बट फिलहाल अभी इसे नहीं करना है। 29 पेज नंबर पर सरप्राइजिंग फैक्ट्स है, ये आपको नहीं करना है। फिलहाल गवर्नमेंट ने आपके बारे में इतना सब कुछ क्यों सोचा हुआ है, क्योंकि गवर्नमेंट जान रही है बच्चे ऑलरेडी स्ट्रेस में हैं, उन्हें और ज्यादा स्ट्रेस क्यों दें, तो उनका स्ट्रेस लेवल रिड्यूस करने के लिए ही आपको ये पोर्शन रिड्यूस करके दिया गया है। आगे हम देखते हैं पेज नंबर 30 पर ये डू यू नो वाला कॉन्सेप्ट आपको नहीं करना है, और साथ ही डेवलपमेंट एंड बर्थ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था बट फिलहाल इस साल इसे एलिमिनेट किया गया है, बट प्लीज आप इसे एक बार पढ़ लीजिएगा। पेज नंबर 31 पर कैन यू टेल, ये फिलहाल नहीं करना है, और बाकी सारे टॉपिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 32 पर कुछ भी कैंसिलेशन नहीं है। पेज नंबर 33 पर देखते हैं, इंटरनेट इज माई फ्रेंड, ये कैंसिल हो चुका है। पेज नंबर 34 पर डू यू नो, ये कैंसिल कर दिया गया है। गेट इन्फॉर्मेशन, ये भी कैंसिल कर दिया गया है। बाकी सारे क्वेश्चंस आपको करने हैं। अब नेक्स्ट चैप्टर नंबर 4, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट। चैप्टर नंबर 4 पे पेज नंबर 36 में कैन यू रिकॉल, थिंक एंड आंसर, इसे हटा दिया गया है, और कैन यू रिकॉल। नाउ कम टू पेज नंबर 37, यहां पर आपको लेट्स थिंक नहीं करना है। कंप्लीट द चार्ट, फिलहाल ये चार्ट भी आपको कंप्लीट नहीं करना है। नेक्स्ट पेज नंबर 38 पर कैन यू रिकॉल, एंड ऑब्जर्व एंड फिल द इंफॉर्मेशन, ये आपको नहीं करना है। पेज नंबर 39 पर कंप्लीट द चार्ट, ये चार्ट भी आपको कंप्लीट नहीं करना है। ओके, अब नेक्स्ट आ जाते हैं पेज नंबर 40 पर, ये डू यू नो वाला पार्ट, ये आपको नहीं करना है। यूज योर ब्रेन पावर, ये भी फिलहाल नहीं करना है।
एंड अ पीक इनटू हिस्ट्री. कंप्लीट द चार्ट. ये सब कैंसिल हो चुके हैं. पेज नंबर 41. सर्च, डू यू नो, लेट्स डिस्कस, इंटरनेट इज माई फ्रेंड, ऑलवेज रिमेंबर, ये कुछ भी नहीं करना है फिलहाल आपको. नेक्स्ट पेज नंबर 42. यहां पर आपको ये वाला टेबल कैंसिल करके दिया गया है. पेज नंबर 43 पे हाउ कैन बायोडाइवर्सिटी बी कंजर्व्ड, ये आपको फिलहाल नहीं करना है. ये सारे क्वेश्चंस पहले पूछे जाते थे ऑब्जेक्टिव फॉर्म्स में या फिर शॉर्ट क्वेश्चंस में, बट फिलहाल अभी आपके लिए इसे शॉर्ट कर दिया गया है. 43, 44 पे थिंक एंड आंसर, ये भी आपको नहीं करना है, कोई आंसर आपको नहीं देना है. पेज नंबर 45 पे रिकॉल अ लिटिल, डोंट रिकॉल एनीथिंग. डू यू नो, ऑलवेज रिमेंबर, थिंक, इन सबको आपको कट कर देना है. मार्क करते चलिए अपने टेक्स्ट बुक में मेरे साथ. पेज नंबर 46 में ये प्रोजेक्ट का जो पार्ट है ये सिर्फ कैंसिल किया गया है. नेक्स्ट पेज नंबर 47 पे हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है, चैप्टर नंबर 5, टूवर्ड्स ग्रीन एनर्जी. इसमें आपको कैन यू रिकॉल कि ये तीन क्वेश्चंस नहीं करने हैं. मेक अ टेबल, आपको टेबल नहीं बनाना है. 48 पे कोई भी कैंसिलेशन नहीं है. 49, पेज नंबर 49 में ये पैराग्राफ इफ से लेकर सर्टेन प्रॉब्लम, ये फिलहाल कैंसिल हो चुका है. और यूज ऑफ आईसीटी, ये भी आपको नहीं करना है. पेज नंबर 50 पे डू यू नो, ये आपको नहीं करना है फिलहाल, ये आपके सिलेबस में से निकाला गया है. पेज नंबर 51 पे इंटरनेट इज माई फ्रेंड, ये नहीं करना है. और इसके अलावा कंपेयर, कोई कंपैरिजन भी हमें नहीं करना है फिलहाल. पेज नंबर 52 पर सम नेचुरल गैस बेस्ड पावर प्लान, ये आपको नहीं करना है. पेज नंबर 53 पर इलेक्ट्रिक एनर्जी जनरेशन एंड एनवायरमेंट, ये फिलहाल ये टॉपिक ही आपके लिए स्किप कर दिया गया है. एनवायरमेंट फ्रेंडली तक इसे कैंसिल कर दिया गया है. और ये येलो टेबल, इसे भी कैंसिल कर दिया गया है. पेज नंबर 54, यूज ऑफ ब्रेन पावर, आपको यूज नहीं करना है. डू यू नो, फाइंड आउट, ये सब स्किप हो चुके हैं आपके सिलेबस में से. 56 पेज नंबर पर डायग्राम 5.22 विंड टर्बाइन्स ऑफ डिफरेंट कैपेसिटीज, ये आपके सिलेबस में से निकाला गया है. एंड गेट इन्फॉर्मेशन, ये भी आपको नहीं करना है. पेज नंबर 57, ये फुल पेज ही आपके लिए कैंसिल हो चुका है, फुल पेज, तो इसे ऐसे ही छोड़ देना है. पेज नंबर 58 पे फाइंड आउट है, ये आपको नहीं करना है. 59 पर डू यू नो, ये भी आपको नहीं करना है. नेक्स्ट एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस आपको करने हैं. 61 से चैप्टर नंबर 6 एनिमल क्लासिफिकेशन, ये शुरू हो जाता है. यहां पर आपको कैन यू रिकॉल, ये नहीं करना है, ये कट हो चुका है आपके सिलेबस में से. पेज नंबर 62 पर यहां पर हिस्ट्री ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन, ये हिस्ट्री आपको नहीं लेना है. और ट्रेडिशनल मेथड ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन, ये भी कैंसिल हो चुका है. पेज नंबर 63 पर ये लास्ट पैराग्राफ दिस सिस्टम से लेकर सेगमेंटेशन तक, ये आपका कैंसिल हो चुका है. पेज नंबर 64 ग्रेड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ये भी आपको नहीं करना है. ग्रेड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म सिलेबस में से निकाला गया है. पेज नंबर 65 में ऑब्जर्व, आपको ऑब्जर्वेशन भी नहीं करना है.
एंड ये बॉडी सिमेट्री जो है ये टॉपिक भी निकाला गया है। पेज नंबर 66 बॉडी कैविटी, बॉडी सेगमेंटेशन ये सब भी स्किप कर दिया गया है। 67 में कोई कैंसिलेशन नहीं है। देन 68 डू यू नो ये आपको नहीं करना है। और सरप्राइजिंग इन्फॉर्मेशन ये भी अभी हमें नहीं करना है। 69 पर गेट इन्फॉर्मेशन एंड इंटरनेट इज माई फ्रेंड ये भी कैंसिल हो चुके हैं। पेज नंबर 70 की बात करते हैं, लेट्स थिंक सो डोंट थिंक एंड सरप्राइजिंग इन्फॉर्मेशन ये भी हमें नहीं लेना है। एंड बुक्स आर माई फ्रेंड्स, तो फिलहाल लॉकडाउन में तो कोई भी बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा है तो बुक्स बिल्कुल भी फ्रेंड नहीं है। पेज नंबर 71 डू यू नो ये कैंसिल हो चुका है। 72, 73 पे कोई भी कैंसिलेशन नहीं है। 74 पर एक छोटा सा कैंसिलेशन है, यूज योर ब्रेन पावर। 75 पे यूज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बुक्स आर माई फ्रेंड्स एंड ऑलवेज रिमेंबर, इनमें से कुछ भी नहीं करना है आपको, सिर्फ एक्सरसाइजेस आपको करने हैं। पेज नंबर 76 में कोई भी कैंसिलेशन नहीं है। 77 इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी, ये हमारा 7th चैप्टर है। 7th चैप्टर में हम देखेंगे कि इसका जो लास्ट पैराग्राफ है डेयरी प्रोडक्शन में, बीस प्रोसेस से लेकर फ्लेवर ऑफ बटर, ये आपके सिलेबस में से एलिमिनेट किया गया है। 78 में लेट्स थिंक एंड डू यू नो ये भी आपको नहीं करना है। पेज नंबर 80 पे, 79 में कोई भी कैंसिलेशन नहीं है, पेज नंबर 80 पे प्रोडक्शन ऑफ बेवरेजेस ये टेबल आपको नहीं करने। 81 पे यूज योर ब्रेन पावर एंड सर्चेस ये स्किप हो चुका है, पर इसमें ये टेबल जो है ये आपको करने हैं। 82 पे कैन यू टेल ये आपको नहीं करना है। पेज नंबर 83 पे लेट्स थिंक सो डोंट थिंक एंड 84 पे कैन यू टेल ये भी आपको नहीं करना है। 85 पेज नंबर पे इंटरनेट इज माई फ्रेंड इसे भी आप कैंसिल कर दीजिए। 88 पर 85 के बाद 86, 87 इन सब पे कोई भी करेक्शन नहीं है, पेज नंबर 88 पे आ जाइए। पेज नंबर 88 चैप्टर नंबर 8 सेल बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी कैन यू रिकॉल, इसके टोटल 4 क्वेश्चंस है ये आपको नहीं करने हैं। ऑब्जर्व ये भी आपको नहीं करना है। 89 फर्स्ट पैराग्राफ ड्यूरिंग से लेकर स्टेम सेल ये भी आपके सिलेबस में से हटा दिया गया है। यूज योर ब्रेन पावर ये भी आपको नहीं करना है। तो चलिए अब हम पेज नंबर 90 पे पहुंच चुके हैं। पेज नंबर 90 इंटरनेट इज माई फ्रेंड ये भी आपको नहीं करना है। 90 ऑलवेज रिमेंबर ये भी हटा दिया गया आपके सिलेबस से। रिकॉल अ लिटिल ये भी नहीं करना है। पेज नंबर 92 पे डेवलपमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन इंडिया ये भी आपको नहीं करना है। पेज नंबर 93 पे यूज ऑफ आईसीटी ये भी सिलेबस में से निकाल दिया गया है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 94 यहां पर भी आपको डू यू नो ये नहीं करना है। 95 पे इंटरनेट माई फ्रेंड इसे एलिमिनेट किया गया है। और ये ब्लू कलर का टेबल और ये पिकिंग इन टू हिस्ट्री ये सारा कुछ निकाल दिया गया है। यहाँ पर आपको क्लीनिंग ऑफ ऑयल स्पिलिंग ये टॉपिक फिलहाल नहीं है आपके सिलेबस में। 97 पे आ जाइए। 97 पे कलेक्ट इन्फॉर्मेशन आपको कोई इन्फॉर्मेशन कलेक्ट नहीं करनी है। और इंटरनेट इज माई फ्रेंड फिलहाल लॉकडाउन में यही फ्रेंड बना हुआ है तो और इसके बारे में क्या जानना है।
नेक्स्ट 101, 899, इस पे कोई भी करेक्शन नहीं है, 108, इस पे जो भी क्वेश्चन है सब आपको करने हैं। यहाँ से हमारा नेक्स्ट टॉपिक शुरू होता है सोशल हेल्थ, चैप्टर नंबर 9। इसमें आपको क्या नहीं करना है, ऑब्जर्व एंड डिस्कस, ये जो डायग्राम है आपको नहीं करना है। 102 में भी कोई कैंसिलेशन नहीं है, 103 इसमें आपको थिंक बिल्कुल भी नहीं करना है, ओवर स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं लेना है, और है कंपेयर, किसी से भी खुद को कंपेयर मत कीजिए। 104 पे जब आते हैं तो यहाँ पर हमें क्या नहीं करना है, रिकॉल अ लिटिल, इससे रिलेटेड दो क्वेश्चंस ये आपको नहीं करना है। नेक्स्ट है 105, यहाँ आपको इंटरनेट माय फ्रेंड ये भी नहीं करना है, साइबर क्राइम ये जो टॉपिक है ये पूरी तरह से कैंसिल कर दिया गया आपके सिलेबस में। 106 में डू यू नो ये आपको नहीं करना है, एंड 107 में ऑलवेज रिमेम्बर इसे भी स्किप कर दीजिए। 108 के सारे क्वेश्चंस आपको करने हैं। 110 फाइनली हम अपने लास्ट चैप्टर डिजास्टर मैनेजमेंट पे पहुंच चुके हैं, यहाँ आपको कैन यू रिकॉल के तीनों क्वेश्चंस नहीं करने हैं, कैन यू टेल करना है आपको। 110 पर लेट्स डिस्कस, सो डोंट डिस्कस, इंटरनेट इज माय फ्रेंड एंड कैन यू टेल, इसमें से कुछ भी नहीं करना है। 111 पे कंप्लीट द चार्ट ये कैंसिल हो चुका है, एंड लेट्स थिंक ये भी नहीं करना है आपको। 112 पे कोई भी कैंसिलेशन नहीं है, 13 पे आ जाइए, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट ये आपको नहीं करना है। पेज नंबर 14 पर भी कोई कैंसिलेशन नहीं है, पेज नंबर 15 पे ट्राई दिस ये आपको ट्राई नहीं करना है, गेट इन्फॉर्मेशन भी आपको नहीं करना है, और ये जो स्ट्रक्चर है स्ट्रक्चर ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ये भी आपके सिलेबस में से निकाल दिया गया है। अब आ जाइए पेज नंबर 116 पे, यहाँ पर आपको इंटरनेट इज माई फ्रेंड इसके बारे में भी कुछ नहीं जानना है, एंड हु डज वॉट ये टॉपिक भी हटा दिया गया है। तो आ जाइए 117 पे, यहाँ पर ये ऑब्जर्व है ये आपको ऑब्जर्व नहीं करना है, कंप्लीट द चार्ट कोई चार्ट भी ये कंप्लीट नहीं करना है, गेट इन्फो ये भी आपको नहीं करना है, इंटरनेट इज माई फ्रेंड, और लास्ट ऑलवेज रिमेम्बर ये भी आपको नहीं करना है। तो इस तरीके से हमने मार्क कर लिया है साइंस 2 का भी सारा रिड्यूस्ड सिलेबस। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय।